हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज, लास्ट कुछ वीडियो में हमने IBM के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस करा है, राइट? सबसे पहले तो हमने IBM में अप्लाई किया, उसके बाद हमने जाना कि IBM मतलब किस चीज़, मतलब लाइक IBM कंपनी के बारे में जाना, राइट? वो क्यों अच्छी कंपनी है, क्यों बड़ी कंपनी है, सब जान गए। अब हम यहाँ पे आते हैं, लाइक जो हमारा मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। मेन मुद्दा इज़ कि हमें क्या मिल रहा है वहाँ पे, राइट? तो एक एम्प्लॉय को सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है। ठीक है भाई, बहुत बड़ी कंपनी में हम काम करते हैं, किसी को बोलेंगे IBM में काम करते हैं तो एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा, फाइन। लेकिन उसके बाद जिस चीज़ में एम्प्लॉय हमारा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है वो होता है कि हमें क्या मिल रहा है। ये तो आपने बताया ही नहीं, तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि IBM ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वहाँ पे जाके आपको क्या मिल रहा है, राइट? बाकी उसने क्या क्या इन्वेंशन करा है, नहीं करा है, वो सब तो आपने इंटरव्यू क्लियर करने के लिए जान लिया। एंड यस, IBM में काम करना एक प्राइड की बात है, वो सब ठीक है, पर आज जानते हैं कि वहाँ पे जाके आपको क्या मिल रहा है, मतलब एम्प्लॉय को क्या मिल रहा है, राइट? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि हम सब ना एक रूटीन जॉब बोलते हैं, रूटीन जॉब सक्स। सबसे ज़्यादा हम इससे परेशान हो जाते हैं, इसलिए परेशान हो जाते हैं कि देखो किसी भी कंपनी में ये 9 आवर्स वाला रूल होता है। लाइक अगर हम बात करें तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको यार, सर्विस बेस्ड कंपनीज, यस, तो अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनीज़ की बात करें स्पेशली, तो वहाँ पे हम सबसे ज़्यादा उसमें परेशान किस वजह से हो जाते हैं कि वहाँ पे वो 9 आवर्स वाली ड्यूटी जो है वो रहती ही रहती है। हो सकता है किसी दिन अगर तुम 9 घंटे में अपना काम पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें 10वां घंटा काम करना पड़ जाएगा, राइट? तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम 9 आवर्स होना चाहिए, राइट? ये वाली चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लमेटिक लगती है। लेकिन हो सकता है किसी दिन काम कम है, तुमने 3 घंटे में काम कर लिया, आज के लिए अब कुछ काम बचा नहीं है, पर फिर भी तुम्हें 6 घंटे बस आराम से बैठ के टाइम वेस्ट करना है, तुम घर नहीं जा सकते हो, कंसीडरिंग वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा है। एनीवे, तो ये सब सोच करके हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, यार 9 घंटे वहाँ पे देना ही क्यों है, राइट? तो सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे ये है, मतलब IBM में ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने अपना काम 2 घंटे में ख़त्म कर लिया तो तुम प्लीज़ घर चले जाओ, मज़े मारो, तुम्हें अगर रहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से तुम वहाँ पे रुक सकते हो। लेकिन किसको ही रहना होता है, कौन इतना मतलब रहता है, राइट? तो एनीवे, अगर तुमने 2 घंटे में अपना काम कर लिया तो तुम आराम से निकल के अपने घर जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तुम फ्री हो जाने के लिए। फर्स्ट थिंग जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, राइट? अब आ जा रहे हमारे सेकेंड पॉइंट पे, ये भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है, एंड दैट इज़ कि वहाँ पे तुम्हें पेड वेकेशंस मिलते हैं। भाई साहब, ये कौन सी कंपनी देती है? तो ये चीज़ तो सोच के बड़ा अच्छा लग रहा है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि वहाँ पे ना तुम्हें फॉरेन ट्रिप्स भी मिलता है, और फॉरेन ट्रिप्स कराने के पीछे ना IBM का जो अपना है लॉजिक वो ये है कि तुम अगर दूसरे कंट्रीज़ में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे काम करी है एंड बाकी चीज़ें, तो उसी बहाने तुम घूम फिर लोगे, यार फॉरेन ट्रिप्स किसको अच्छे नहीं लगते। तो ये 3 फ़ायदे तुमने जाने। अब हम जान लेते हैं कि नेक्स्ट फ़ायदा हमारा क्या है। तो सबसे जो होता है उसमें क्या है ना कि मतलब टाइम टू टाइम ट्रेनिंग वर्कशॉप वगैरह करवाया जाता है डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे। तो देखो क्या है ना कि हम अभी क्या कह सकते हैं, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को डेटा साइंस में इंटरेस्ट है, मे बी बिकॉज मैंने जितनी चीज़ें एक्सप्लोर की है उसमें मुझे डेटा साइंस थोड़ा सा ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, राइट? हो सकता है कल को कुछ ऐसा हो, लाइक अभी कुछ ऐसा हो, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसमें मैंने आज तक ट्राई ही नहीं किया है। हो सकता है जब मैं वो ट्राई करूँ तो मुझे डेटा साइंस भी बेकार लगे, मुझे वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगने लग जाए, पॉसिबल, राइट? तो इसीलिए IBM क्या करता है कि टाइम टू टाइम नया नया कुछ कुछ कंडक्ट कराते रहता है, लाइक वर्कशॉप, ट्रेनिंग एट्सेट्रा। तो उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम आराम से जाओ उसमें पार्टिसिपेट करो, तो उससे तुम्हें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है और तुम्हें अपने इंटरेस्ट का रियल में पता चलता है। एंड फिफ्थ जो भी है नंबर में मैं नहीं जा रही हूँ, नेक्स्ट थिंग इज़ कि वहाँ पे क्या है ना कि जैसे नॉर्मली मैंने TCS के केस में ही बोला हुआ था कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट है तो तुम्हें उसी में काम करना पड़ेगा। IBM में तुम्हें ये लिबर्टी मिलती है कि तुम बोल सकते हो, और अगर पॉसिबल होता है, लाइक ज़्यादातर चांसेस हैं कि हो जाता है, पर अगर पॉसिबल होता है तो तुम्हें उसी पर्टिकुलर जो भी क्या बोलते हैं फील्ड में तुम्हें काम देते हैं जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो। तो ये हुई ना बहुत अच्छी चीज़, मतलब ये सब बहुत सही चीज़ लगती है, राइट? एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर तुम बोलते हो कि मैं MacBook पे काम करने में कंफर्टेबल हूँ तो कंपनी तुम्हें MacBook देती है, तुम बोलते हो मैं PC में काम करने में कंफर्टेबल हूँ तो तुम्हें PC प्रोवाइड कराती है, मतलब कौन सी कंपनी ये सब करती है यार। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो देखो IBM ना
बहुत ज़्यादा मतलब ख्याल रखती है कि मेरे एम्प्लॉयज़ खुश रहे, क्योंकि एम्प्लॉय खुश रहेगा तो ऑब्वियस है ना कि काम दिल से करेगा, काम दिल से करेगा तो कोई भी चीज़ दिल से करो तो बहुत अच्छे तरीके से जाता है, तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस चीज़ का पूरा ख्याल हमारा IBM रखता है। तो आई होप तुम्हें इस छोटे से वीडियो से समझ आ गया होगा कि IBM जो है वो एम्प्लॉयज़ के लिए क्यों अच्छा है, राइट? तो अगर तुम्हें समझ आ गया तो चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, नहीं नए हो तो लाइक करके जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।